नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी। मैं हूं आपके साथ आकाश, और आइए नजर डालते हैं छिंदवाड़ा की आज की प्रमुख खबरों पर। आगामी समय में महाशिवरात्रि का महापर्व देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में शिवरात्रि के 15 दिन पहले से महादेव मेला शुरू हो जाता है, जो प्रदेश सहित पूरे देश में जाना जाता है, जहां हर वर्ष लाखों की संख्या में भक्त महादेव के दर्शन करने कठिन पहाड़ी से होकर चौरागढ़ स्थित महादेव के मंदिर पहुंचते हैं। मेले की तैयारी को लेकर हर वर्ष जिला प्रशासन मुस्तैद रहता है, और रविवार से महाशिवरात्रि का मेला शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर महादेव मेले की तैयारियों का जायजा लेने जिले के कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा, एसपी मनोज राय, जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मेले की पहली पायरी पहुंचकर मेला स्थल और तैयारियों का निरीक्षण किया। देखिए, महादेव मेला एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है अपने जिले का, इनफैक्ट होशंगाबाद और छिंदवाड़ा दोनों जिलों का। इसमें बड़ी व्यापक तैयारियां होती हैं, और कल ही माननीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब और सभी जिला स्तरीय अधिकारी वहां सांगाखेड़ा में, जो बेस कैंप की तरह से उपयोग आता है जो गांव, वहां पर एक बैठक लिए थे, जिसमें मेले से जुड़े हुए सभी पहलू, यात्रियों की संख्या, उनके स्वास्थ्य से संबंधित वहां पे एक अस्थायी अस्पताल बनाना, सारी आवश्यक दवाइयां। जिला और सत्र न्यायालय में आज कुटुंब न्यायालय द्वारा नेशनल लोक अदालत लगाई गई, जिसमें आपसी समझौते को लेकर चार परिवारों का समझौता कराया गया, और जोड़ों को एक दूसरे को माला पहनाकर आपसी सामंजस्य बनाकर जीवन जीने की सलाह दी गई। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश बीएस भदौरिया और प्रधान न्यायाधीश आशा गोधा उपस्थित थी। हमारे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, छिंदवाड़ा में भी इस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस परिवार न्यायालय में अनेकों केस पति पत्नी के, जो काफी दिनों से मायके चले गए, रूठ गए हैं, कोई और झगड़े हो गए हैं, मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, उन सभी के केस इसमें रखे गए हैं, जिसमें से अभी 2 घंटे के अंदर इसमें 5 केस में रायनामा हो गया है। पति पत्नी एक 10 साल से पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे, बच्चा छोटा सा था उनका 1 महीने का, तब से अलग अलग रह रहे थे, उनमें आपस में सुलह कराई जाकर सुलह होकर कन्वेंस हो गए हैं और पति पत्नी साथ में जाने को सहमत हो गए हैं। इसी प्रकार से अन्य केस में भी, एक में 2 साल से अलग रह रही थी पत्नी, एक में 1 साल से रह रही थी, एक में 9 महीने से रह रही थी, सभी केसों में कोर्ट में रायनामा का प्रयास किया गया है, और उससे सहमत होकर के वो सब साथ में रहने के लिए सहमत हो गए, और आज खुशी खुशी आप लोगों ने देखा होगा माला पहनाकर एक दूसरे के साथ अब अपने अपने घर चले गए हैं, उनके झगड़े हो गए हैं। राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस के समस्त अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, नंदू सूर्यवंशी और शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने आगामी समय में मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया। पेंशन सदन में आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के सभी संगठनों की बैठक हुई। आगामी समय में मुख्यमंत्री के आगमन और उनके स्वागत सम्मान की तैयारी को लेकर बैठक में चर्चा की गई। संगठन के सदस्यों का कहना है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पिछले 1 साल में संगठन से जो वादे किए थे, उनमें से सभी वादे पूरे किए हैं, जिसको लेकर आगामी छिंदवाड़ा दौरे में उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा। रॉयल्टी है पर मोबाइल में, और मोबाइल कहां है, चार्ज में लगा है या फिर सेठ के मोबाइल में है। जिला खनिज विभाग की कार्रवाई में पकड़े गए डंपर चालकों को रॉयल्टी नहीं देने पर यही कारण बताए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की मंशानुरूप खनिज माफियाओं पर माफिया दलन कार्रवाई के चलते कलेक्टर के आदेश पर जिला खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए 3 डंपर पकड़े। तीनों ही डंपर चालकों से रॉयल्टी के संबंध में पूछने पर एक ही कारण बताया जाता है। जिला खनिज विभाग ने ग्राम तंसरा, रामाकोना, सौंसर, चांद, चौरई, बिछुआ, तामिया और छिंदवाड़ा शहर में पड़ताल करते हुए जिला खनिज अधिकारी मनीष पालेवाल सहित खनिज निरीक्षकों विवेकानंद यादव, स्वाति ठाकुर ने रेत का अवैध परिवहन करते हुए 3 डंपर पकड़े, जिन्हें जब्त कर रेमंड पुलिस चौकी में रखा गया। अब इन पर मध्य प्रदेश खनिज गौण नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं अवैध रेत परिवहन की एक अन्य कार्रवाई में पुलिस के हाथ भी सफलता लगी। जानकारी के अनुसार चौरी अंतर्गत ग्राम माचागुरा डैम में अवैध उत्खनन की सूचना मिलने पर चौरी पुलिस द्वारा थाना प्रभारी मुकेश द्विवेदी के नेतृत्व में देर रात एक टीम गठित कर बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में चौरी पुलिस द्वारा 6 ट्रैक्टरों को पकड़कर अभिरक्षा में रखा गया है। पकड़े गए ट्रैक्टरों पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज माघ शुक्ल चतुर्दशी शनिवार को दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित आदित्यनाथ दिगंबर जिनालय का 2 दिवसीय 26वां वार्षिक महोत्सव का मंगलमय शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश नवनीत गोधा के करकमलों से जिनालय के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। इसके पश्चात बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने पूजन विधान में हिस्सा लेकर जिन शासन की मंगल प्रभावना की।
पिछले 15 दिनों से विवेकानंद कॉलोनी में गजानन गुणगान मंडल, सच्चिदानंद साई समिति और नैना ललित कला समिति द्वारा धर्मप्रेमी बंधुओं के लिए धर्मोत्सव का कार्यक्रम का आज समापन हुआ। इस दौरान सभी धर्मप्रेमी बंधुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। ललित कला के संरक्षक आनंद बख्शी ने समस्त सहयोगी और धार्मिक संगठनों को उसका धन्यवाद दिया। उद्देश्य तो मानव कल्याण और हमारा ये जो क्षेत्र है छिंदवाड़ा का, इस क्षेत्र में हमारे माननीय सांसद नकुल नाथ जी ने एक संकल्प लिया है माँ नर्मदा जी को इस धरती पर लाने का। उस संकल्प के लिए सभी धर्म सेवी समुदाय चाहते हैं कि माँ नर्मदा जी यहाँ आए, तो माँ नर्मदा जी के जन्म दिवस जयंती के अवसर पर 1 फरवरी से श्रीमद् भागवत श्री मनोज महाराज खंडवा वालों के द्वारा आयोजित की गई। स्थानीय जिला चिकित्सालय में वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के संस्थापक स्वर्गीय नारायण प्रसाद गुप्ता की पुण्य स्मृति में शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री विजय झांझरी ने कहा कि समाज सेवा के अर्थ में अग्रणी युवा इकाई का यह कार्य पूरे वर्ष निरंतरता से जारी रहता है और यही हमारी पहचान है। चंदन नगर स्थित सनराइज हाई स्कूल में वार्षिक उत्सव समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने राजस्थानी, गोंडी और बॉलीवुड गानों में शानदार प्रस्तुतियां दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।